बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल देसी परदेसी फूड लैब। तो आज मैं अपने किचन में लेके आई हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मंचूरियन की रेसिपी। ये बनानी बहुत आसान है, बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में बनके रेडी हो जाती है और बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो ये रेसिपी होती है। इसके अंदर प्याज या फिर शिमला मिर्च टमाटर ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो रेस्टोरेंट्स में हम मंचूरियन खाते हैं उसके अंदर ये सारी वेजिटेबल्स नहीं होती। तो बिल्कुल हम वही रेसिपी बनाएंगे। तो चलें इसके हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे अगर हमें ज़रूरत हुई तो, इसको अभी हमने फ़िलहाल ऑप्शनल पर रखना है। वाइट पेपर इसके अंदर जाएगी 1/2 टीस्पून, गार्लिक पेस्ट है इसके अंदर, ग्रीन चिलीज जाएंगी, चिली पेस्ट इसमें जाएगा, ये अजीनोमोटो है मेरे पास 1 टीस्पून, चिकन पाउडर है 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर की स्लरी है वो इसमें जाएगी, केचप और चिकन स्टॉक है हमारे पास, और ये फ्राई हुआ हुआ चिकन है जिसकी रेसिपी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी, तो उसको आप वहाँ से बना देख कर जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए हम अपनी रेसिपी बनानी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए पैन में मैंने लिया है ऑयल 1/4 कप, और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपना गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। गार्लिक पेस्ट इसके अंदर शामिल करने के बाद हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, जलाना नहीं है हमने इसको बिल्कुल भी, बस 1 से 2 मिनट हल्का सा हम इसे फ्राई करेंगे, और फिर इसके अंदर हम शामिल कर देंगे अपनी केचप 1/2 कप। केचप इसके अंदर ऐड करके हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, फिर तब इसके अंदर हम शामिल करेंगे अपना चिली पेस्ट, 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें चिली पेस्ट। फिर यहाँ इस स्टेज पे हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन स्टॉक 1 कप। अगर आपके पास चिकन स्टॉक अवेलेबल ना हो तो आप सिंपल कनोर की या मैगी की जो आपको स्टॉक क्यूब्स मिलते हैं उसको पानी में डिजॉल्व करके तो अपनी चिकन स्टॉक जो है वो रेडी कर सकते हैं। अब इसको हमने बॉयल आने तक अच्छा सा पका लेना है। तो ये देखें हमारी ग्रेवी में बॉयल आ गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपने स्पाइसेस। इसमें जाएगी ग्रीन चिलीज 2 अदद, हमने इस तरह से स्लाइसेस में कट करके ऐड कर दिए हैं। फिर इसमें जाएगा चिकन पाउडर 1 टीस्पून, चाइनीज सॉल्ट इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और चीनी इसके अंदर जाएगी 4 टेबलस्पून। अब हमने सब कुछ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, सब कुछ डिजॉल्व कर लेना है, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे वाइट पेपर 1/2 टीस्पून, और फिर अपना फ्राई किया हुआ चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप। आप इस स्टेज पे चेक कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत हो नमक ऐड करने की तो आप कर सकते हैं, वरना ये बिल्कुल परफेक्ट बन जाती है। ठीक है, देखें 2 से 3 मिनट हम इसे पकाएंगे, लेकिन और इसके बाद इसके अंदर हम अपनी कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐड करेंगे, लेकिन हमारी जो है वो ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट है तो ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का सिजलिंग सा हमारा चिकन मंचूरियन रेडी हो चुका है। इसको आप गार्लिक राइस के साथ या फिर फ्राइड राइस के साथ सर्व करें। अपने जो मैंने राइस बनाए थे इसके साथ सर्व करने वाले, वो भी मैंने आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दिया है, आप वहाँ से देख के वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़े की मंचूरियन की रेसिपी जो है वो रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह।